Uh, मुझे लगता है कि अभी अट्ठाईस सौ उनतीस सौ की जर्नी की तरफ uh, बिल्कुल बढ़ रहा है ये स्टॉक और uh, काफी अच्छे जो नतीजे इस बार हमने देखे ऑलमोस्ट इकतीस सौ करोड़ का जो मुनाफा रहा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है और जो ऑर्डर बुक है उसमें काफी सिग्निफिकेंट एडिशन uh, जो उनका इसको पर्टिकुलर क्वार्टर में हो रहा है तो वो भी पॉजिटिव है तो मेरी सलाह स्टॉक इस पे अभी भी बाय की रहेगी और uh, ये स्टॉक आपको जल्दी अट्ठाईस सौ उनतीस सौ के लेवल दिखाएगा

हिंद और याद रखिएगा एक्चुअल चल रहा है टाटा कंज्यूमर की बात हुई आई टी सी भी पुल बैक है आई टी सी अपने ट्वेंटी डेमा को रीगेन करने की तैयारी कर रहा है लेकिन एक बात जो कि फैक्ट में आपसे कल भी डिस्कस कर रहा था एक्चुअल के, के एक प्राइस पर नजर रखिये एक्टली टू हंड्रेड डे एक्सपोरशियल कल का पॉज वहीं आया कैंडल वहीं पर पॉज हुए और आज वहीं से पुल बैक लेता हुआ राजेश जी के स्ट्रेट के पीछे थीम वही है नाइनटीन निफ्टी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अस्सी पॉइंट टू पर बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें अपने लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट करता ल, 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 लेट्स ब्रिंग पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पर पावर ग्रिड ये क्या कर रहा है लगभग दो सौ चौवन अच्छा मूवी यहाँ पर प्रशांत जरा एक बार पावर ग्रिड को देखेगा दो सौ चौवन कोई ट्रेड व्यू फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शन में जी जी अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस के करीब यानी 260 के करीब जा रहा है तो जिनके पास लॉन्ग हो वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं आपका स्टॉप लॉस होता है 250 और आप 260 के के टारगेट्स लिए होल्ड कर सकते हैं फ्रेश बाइंग थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ से सिर्फ पांच पॉइंट दूर एक बड़ा रेजिस्टेंस है टू क्रॉस हो जाए तो मुझे लग रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा तो फ्रेश बाइंग मेरा रिकमेंडेशन होगा दो के ऊपर करे और एग्जिस्टिंग लॉन्ग वो दो के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं okay, ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें